बच्चों अपने माइंड में एक पिक्चर इमेजिन कीजिए। नीट 2025 का रिजल्ट डे है, आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे हैं, एनटीए का वेबसाइट खुला है और उसके ऊपर रिजल्ट आपका शो हो रहा है। इट इज 650 प्लस मार्क्स, ड्रीम जैसा लगता है ना, लेकिन ये ड्रीम आपकी हकीकत में बदला जा सकता है अगर आप सही अप्रोच के साथ पढ़ाई करें। तो क्या आप तैयार हैं अपने इस ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं आपके इस ड्रीम स्कोर को अचीव करने के लिए? सो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिस साइड सचिन उपाध्याय, यू नीड फिजिक्स मेंटर। पिछले कई सालों से बच्चा मैं फिजिक्स के वीडियोस से अपने बच्चों की मदद करते आया हूं और अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूं यार, जो ये जो टॉप 1% के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो रैंक को अचीव करते हैं, रैंक को लेकर के आते हैं, ये वही वाली प्रूवन स्ट्रेटजीज होने वाली है। सो बच्चा मेरी जान रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मंडे वेनेसडे मेरे फिजिक्स 45 के सेशंस भी होते हैं जहां पर मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में भी मिलता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तमाम हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं जहां पर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और उसे कैसे 45 मिनट में डील करना है, वो मेरे वीडियोज़ के साथ आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। यार 650 प्लस मार्क्स लाना इज नॉट लाइक कि बस मार्क्स है ये। सबसे पहले 650 प्लस का ना एक माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। सर ये माइंड सेट क्या है? देख मेरी जान, अगर तू पॉजिटिव सोचेगा ना बाबू तो तेरे साथ पॉजिटिव होगा, और अगर तू नेगेटिव सोचेगा ना कि मुझसे नहीं होता है, मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन है या मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, मेरा बैकलॉग लग गया है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक बैरियर की तरह काम करती है। रियल एटीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स का पता है? कम ऑन यार, 720 प्लस, 720 के आसपास मुझे पहुंचना है, 700 प्लस के आसपास मुझे पहुंचना है, सिर्फ 9 महीने बचे हुए, आई कैन डू इट। 650 प्लस का माइंडसेट होने का मतलब होता है बच्चा आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि मुझे ये चीज करनी है, फिर आपको दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बच्चा इसे भूख कहता है। देख जिसके अंदर भूख है ना स्कोर लाने का, जिसके अंदर भूख है ना बच्चा नीट को क्रैक करने का, नीट को तोड़ने का, नीट को फोड़ने का, फिर उसको ये बैकलॉग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी स्लीपिंग आवर से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता यार। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साइंटिफिक तरीके से चलो 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी, बट ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। दे सैक्रीफाइस फॉर देयर विजन, दे सैक्रीफाइस फॉर देयर गोल। तो अगर आपका गोल 650 प्लस है तो पहले उसको जीना शुरू करो कि यार 8 से 9 महीने बचे हुए, 9 महीने ही है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, उसको विजुलाइज करो, क्योंकि 650 प्लस का जो माइंडसेट है ना वो आपको टॉप 1% के अंदर लेकर के आ सकता है प्यारे बच्चे। यस यू हर्ड मी करेक्ट, टॉप 1% में आने वाला बच्चा ही अपने विजन को विजुलाइज करता है। आर यू वन ऑफ देम? क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप वो अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जी चीकू भैया, बाबा एसएसपी, सचिन सर, हम वो ड्रीम स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं, है ना। चलिए बच्चा, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, सारी बातें बताता हूँ कि वो कौन कौन से आपके जो है पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। मेरी जान आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा कि कॉपी कलम लेकर के बैठ जाना और जरा इस सारे स्ट्रैटेजीज को अपने कॉपी के ऊपर लिखते चले जाना, सो दैट जहाँ पर भी आपका स्टडी एरिया है, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं, टेबल पर, कहीं पर भी, आपके अपने घर के किसी कोने में, कहीं पर भी, वहाँ पर इस चीज़ को लगा दीजिएगा कि 680 प्लस, हम तो 650 प्लस ही कह रहे हैं भाई, 680 प्लस हो सकता है, 700 प्लस मार्क्स हो सकता है, उसको चिपका दीजिए अपने जहाँ पर भी आपका स्टडी वाला पार्ट है, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ वो तमाम मुद्दे कौन कौन से बच्चा। सबसे पहले तो यार समझो बच्चों कि आपको अपनी एनसीईआरटी को मास्टर करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाटनी पड़ेगी, आइसक्रीम की तरह उसको चाट जाइए, मतलब समझ लीजिए ना एकदम एकदम निचोड़ लीजिए पूरी एनसीईआरटी, खास करके आपकी बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके बच्चों एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसे आप जरूर करें। भूल जा रहे हैं, कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वापस रिवाइज कीजिए, बट एनसीईआरटी को तो आपको 100% टारगेट करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर आपकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। समहाउ आप बोर्ड्स के बच्चे रहे होंगे, आप ऑब्वियसली थे बच्चा, थे इन द सेंस बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम के भी होंगे। आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा भैया मैं बोर्ड एग्जाम का हूँ, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इसी चैनल पर, KGS चैनल पर, ठीक है। तो आप बोर्ड के बच्चे रहे हैं या होंगे तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर करोगे, इन योर फिजिक्स ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल छोड़ना मत बच्चा, टारगेटेड प्रिपरेशन करिए, प्रायोरिटाइज कीजिए आप अपने हाई वेटेज टॉपिक्स को। देखो एक होता है बच्चे पढ़ते हैं
और दूसरा होता है एक बच्चा जो अपनी प्रायोरिटाइज जो टॉपिक्स होता है उसको हाईलाइट भी करता है कि यार जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में हमारा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का होता है, ये हम चार्ट जाएंगे, ये हम बार बार रिवाइज करेंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर आपकी पकड़ ज़्यादा होनी चाहिए। जब आपको लगे थोड़ा समय बच रहा है, जब आपको लगे थोड़ा वीक एरिया जा रहा है, पकड़ लीजिए इसको बच्चा। वहीं केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक इज दैट टफेस्ट पार्ट, जो टारगेट होना चाहिए, जो हाई वेटेज टॉपिक होता है। वहीं बायोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी है और जेनेटिक्स है, ये वो दो चैप्टर्स हैं, दो सेगमेंट हैं बायोलॉजी के जहाँ से अधिकतर महत्तम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर बच्चों आपको बार बार क्या अटैक करना चाहिए, जब आपको लगता है समय मेरे पास थोड़ा सा है यार, तो आप तुरंत इनके ऊपर काम करने लग जाओ, है ना। टारगेटेड प्रिपरेशन रखो, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चा कि बस ये हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? गुड बच्चा, मेरी जान इस बात को समझ कि गुड स्टूडेंट और ग्रेट स्टूडेंट इनमें ना फर्क पता है किस चीज का होता है? पढ़ने के तरीके का फर्क होता है, इनके पढ़ने के तरीके में फर्क होता है जो उनको गुड स्टूडेंट बनाता है और ग्रेट स्टूडेंट बनाता है। एक तरफ जहां गुड स्टूडेंट सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करता है, वहीं ग्रेट स्टूडेंट वो होता है जो सिलेबस को एनालाइज करता है, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करता है, पैटर्न देखता है और फिर उसके बाद वो टारगेटेड प्रिपरेशन करता है। अगर आप वो टारगेटेड प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट बनना चाहते हो, यानी ग्रेट स्टूडेंट में आना चाहते हो, यानी ऑल इंडिया रैंक में अचीव करना चाहते हो, खुद को टॉप 1% में लेकर आना चाहते हो बच्चा, सो हियर आर द पॉइंट्स। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपको हमेशा बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि रेगुलर मॉक टेस्ट एनालिसिस आप कीजिए। हम पहले आपको क्या बताएं, हम आपको ये बताएं कि आपका क्या होना चाहिए बच्चा, मास्टर होना चाहिए एनसीईआरटी, मतलब एकदम रगड़ हो जाना चाहिए मास्टर एकदम एनसीईआरटी, मतलब एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए। प्रायोरिटाइज हाई टॉपिक्स, इसमें जैसे आपको फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, है ना। अब अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया हमें ना एक वीडियो बना के दे दीजिए जिसके अंदर हमारे हाई वेटेज टॉपिक फिजिक्स के हैं, हालांकि मैंने 2024 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो किया हुआ था, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो गेट दैट वीडियो, बट इन केस 2025 वाले विद्यार्थी हैं, अधिकांश बच्चे देखना चाहते हैं, तो आप चाहते हो तो लिख देना चिकू भैया मुझे ना वो वीडियो चाहिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी कर दूंगा। इनफैक्ट बच्चों मैं बायोलॉजी भी बना दूंगा, केमिस्ट्री भी बना दूंगा और फिजिक्स भी बना दूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्रेट स्टूडेंट होते हैं ना बच्चों, वो इस पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट और फिर वो एनालिसिस करते हैं। देखिए जब आप लगातार परीक्षा दे रहे हैं, इवन आप हमारे खान ग्लोबल स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग साप्ताहिक परीक्षा लेते हैं, एवरी वीक देयर इज अ टेस्ट, यूनिट टेस्ट होता है, सिलेबस टेस्ट होता है, अब उसमें मार्क्स आते हैं, तो उससे आपको एग्जाम की कंडीशन के बारे में पता चलता है, आप एग्जाम में पजल नहीं हो जाओगे। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, फिर पढ़ रहा है, सिलेबस खत्म कर रहा है, सब चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, लेकिन वो परीक्षा के लिए अभ्यास ही नहीं किया कि परीक्षा इस तरह की होगी, उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है, कितने समय में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका पक्का हो गया है, कौन सा टॉपिक आपका वीक हो गया है, वो आपको मॉक टेस्ट देने से पता चलेगा। तो यू विल गेट द आइडिया अबाउट एग्जाम की कंडीशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपका एक बार टेस्ट हो जाएगा ना, तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करके भी आप समझ पाओगे कि यार ये वाला टॉपिक में मेरे को वापस सर्जरी करनी है बॉस, इस वाले टॉपिक में मेरे को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा बॉस, ये वाला टॉपिक मेरा कच्चा रह गया, फिजिक्स में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, केमिस्ट्री में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, बायोलॉजी में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो गुड स्टूडेंट होता है वो इन सब पे ध्यान नहीं देता, लेकिन ग्रेट स्टूडेंट वो होता है जो इन सब पे ध्यान देना शुरू कर देता है। एंड यस मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में टाइम मैनेजमेंट पूरा प्लानिंग होना चाहिए, डेली फिजिक्स को 3 घंटे, डेली केमिस्ट्री को 3 घंटे, बायोलॉजी को 4 घंटे आपको देना पड़ेगा अगर आप वाकई नीट में सक्सेस होना चाहते हो। तो नीट 2025 के बाद आप 2026 में वापस प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो बच्चा, तो आपके पास में डेली रूटीन होना चाहिए। और एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, प्रोमोडोरो टेक्निक, ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप 25 मिनट आपकी कैपेसिटी है बच्चों, आप 25 मिनट पढ़ाई किए, ध्यान सुनिएगा, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद ना 5 मिनट उसको वापस रिवाइज कर लो मन में। एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स की बात करता हूँ, आपने घर्षण वाला चैप्टर हिंदी में या इंग्लिश में मैं बोलूँ फ्रिक्शन वाला चैप्टर यू आर डूइंग, सो इन द फ्रिक्शन यू हैव स्टार्टेड लाइक दिस यार, फ्रिक्शन 2 टाइप्स का फ्रिक्शन होता है, एफएस होता है, एफएस मैक्सिमम होता है, एक आपका एफके होता है, एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा ड्राइवर फोर्स है तो बॉडी चलेगी, एफएस मैक्सिमम से अगर ड्राइवर फोर्स लेस है तो बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी चलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर बॉडी रुकी हुई है तो जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही मेरा पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा, अगर ब्लॉक को मैं सरफेस पर ले गया था तो चीकू भैया ने ये सिखाया था कि mg साइन थीटा लगेगा एक्सीलरेशन निकालने के लिए, फिर फ्रिक्शन कहाँ जा रहा है हमको वो देखना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट होती है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपने 25 मिनट तक पढ़ाई करी है ना बच्चों, उसको 5 मिनट के लिए वापस रिवाइज कीजिए, फिर 25 मिनट जाइए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर के उसको पूरा रिवाइज कीजिए, 1 घंटा इसी में हो जाएगा। आप बहुत लंबा बैठने का प्रयास मत करो,
कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो अपना जो उनका हैबिट होता है उस हैबिट को तोड़ करके सोचते हैं कि यार मैं बैठ जाएगा, बट नहीं हो पाता बॉस। हर बच्चे की टेक्निक अलग अलग होती है, हर बच्चे के समझने का अलग अलग जायका होता है। जैसे हमारे भी क्लास के अंदर कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया मुझे लिखने का टाइम देना, बिकॉज जब आप बोलते हो ना तो मुझे सुनना होता है, आप जब सुनाते हो कहानी के तरीके से पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो हमें प्यार हो जाता है, तो हम लिखते नहीं होते हैं। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया नोटेड हो गया हमारा। सो ये आपको डिसाइड करना होगा बच्चों कि क्या आप टीचर के लय के साथ हो, नहीं हो तो इट्स ओके, दैट इज योर चॉइस। तो आप 25 मिनट क्या, आप 15 मिनट लीजिए, आपने 15 मिनट तक कहानी याद करी, 15 मिनट तक कॉन्सेप्ट याद किया, बायोलॉजी याद किया, फिर 5 मिनट के लिए उसको रिवाइज कर लिया या 10 मिनट के लिए उसको रिवाइज कर लिया। इस टेक्निक को अगर फॉलो करोगे बच्चा तो डेफिनेटली विल गेट दैट रिजल्ट, ठीक है। एंड बच्चों अपने वीक एरिया पर फोकस कीजिए, अपने वीक एरिया को साप्ताहिक एक बार फिर से उसको देखना शुरू कर दीजिए, और जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है ना उसको सबसे बड़ी ताकत में बदलना शुरुआत कीजिए। देखिए ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो हर चीज़ में निपुण है, हर चीज़ में सक्षम है, 10 कमियां मुझ में भी है, लेकिन मैं कमज़ोर व्यक्तित्व का इंसान तब माना जाऊँगा जब मैं अपनी गलतियों पर काम नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग, हम सभी शिक्षकगण, जितने भी लोग हैं किजिस आर्मी में, अपनी कमियों पर काम करते हैं। हो सकता है बच्चों कि हमारा फिजिक्स में कोई ये टॉपिक है जिसे हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बायोलॉजी में जिसको टीचर्स को बार बार देखना होता है कि यार इसके कैसे क्वेश्चंस आए। मैं एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ बच्चा, ऐसा होता नहीं कि कई सालों से पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ टेक्निक्स हमें देखने पड़ते हैं, नए क्वेश्चंस कैसे आए। अगर सोचिए हम लोग भी पेपर हर साल का सॉल्व ना करें, जेई मेंस एडवांस और नीट, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी तो सबको रटा गई है, बायोलॉजी में सबको याद हो चुका है, केमिस्ट्री में सबको याद हो चुका है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हमको भी याद हो चुके हैं। लेकिन मजा तब आता है बच्चों जब हम अपने आपको अपडेट करें। ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना होगा, यू हैव टू अपडेट, कीप योर अपने आपको एकदम अपडेट रखो यार। आजकल मोबाइल फोन भी अपडेट ना हो तो बच्चा बदलना पड़ जाता है, खराब हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो हम तो क्या है, हमको तो नीट की परीक्षा की तैयारी ना करनी है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट आप क्या कीजिए, अपने वीक एरियाज पर काम करना शुरू कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए बच्चा। मैं बोलता हूँ आपको हर एक वीक के अंदर एक दिन ऐसा देना चाहिए, चाहे वो संडे हो, चाहे वो बच्चों सैटरडे हो, जहाँ पर आप भले आप 2 घंटा ही सही, ओनली फॉर 2 आवर्स, लेकिन आप इस दिन को घोषित कर दीजिए, अब मेरी कमजोरी को ताकत बनाने वाला दिन, कमजोरी को ताकत बनाने वाला आज दिन है, तो मेरी कमजोरी को ताकत बनाने वाला दिन है। ऐसा अगर आप अपना माइंडसेट, मेरी कमजोरी को ताकत बनाने वाला दिन है आज, ऐसा अगर आप माइंडसेट कीजिएगा ना यार, ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो मेरे लाल बाल गोपाल को रोक दे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बच्चा। तुम उस वेग के साथ, तुम उस संवेग के साथ, तुम उस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ोगे ना कि ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ भी आ जाए तुम्हें रोकने के लिए, तो भी तुम नहीं रोक सकते। सिर्फ अगर कोई और तुम्हें रोक सकता है तो वो खुद तुम्हारी थॉट है बच्चों। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं ना, ये पॉइंट्स ऐसे नहीं है बच्चा, अनुभव के बेसिस पर बोला है। तो फटाफट इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए। अब जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन मेरा बच्चा है जो इन स्ट्रैटेजीज को अगले 9 महीने के लिए फॉलो करने वाला है। बच्चों वीडियो पसंद आई है तो तमाम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लगातार हमारे कीजिए चैनल पर आ रहे हैं बच्चा, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा थ्रू लाइक्स एंड थ्रू कमेंट्स। बताइए आपको और कोई विषय पर, किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, बाबा SSP की हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुलाकात करता हूँ मैं बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद बच्चों।